जो यहाँ पर बात की है, आप सब लोगों ने जिस प्रकार से अपने दोनों हाथ उठाकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, ऐसा समर्थन आज भाजपा को पूरे प्रदेश के अंदर मिल रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, हरियाणा की जनता जानती है कि कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो फिर से हरियाणा में भ्रष्टाचारियों का और दलालों का राज कायम हो जाएगा, फिर से हमारे युवाओं का, हमारे बेटे बेटियों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जे शुरू हो जाएंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोग आपके पास आकर बड़े बड़े वायदे करेंगे, लेकिन कांग्रेसियों के वायदे इन्हीं कांग्रेसियों की तरह खोखले हैं। कांग्रेस के पास हरियाणा को आगे ले जाने के लिए कोई नीति है ना कोई नियत है। अगर कांग्रेस वापस आई तो यहाँ का सरकारी खजाना जो आज लबालब भरा हुआ है, वो खजाना खाली करने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग इन कांग्रेसियों का किसी बहकावे में ना आना और कमल के फूल पर ही अपना वोट देना। मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि आप सभी, एक और पार्टी है महाभ्रष्ट पार्टी आम आदमी पार्टी, और JGP के वोट कटवा जो लोग बीच में आ रहे हैं, उन सबसे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हैं, इनको वोट देने का मतलब है अपने वोट को खराब करना। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है और केवल अपने घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, जानने वाले, पहचानने वाले सबको कहना है कि कमल के फूल पर ही वोट देना है, विकास के लिए, समृद्धि के लिए, शांति के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए भाजपा को ही चुनना है, नरेंद्र मोदी जी को ही मजबूत करना है। भाइयों बहनों, हरियाणा में भाजपा की फिर से सरकार आएगी तो हमारे संकल्प पत्र में संकल्प लिया गया है कि 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, सेना में जो काम करके हमारे अग्निवीर आएंगे जिनके बारे में तमाम तरह की बातें हो रही हैं। मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूं, मैंने भी सेना को बचपन से देखा है, क्या बुरा होगा भाइयों बहनों, हर गांव गांव में हमारे सैनिक प्रशिक्षण लेकर आ जाएंगे। और ऊपर से हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा है, हमारे युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि एक भी अग्निवीर को खाली नहीं रखा जाएगा, सबको पक्की नौकरी दी जाएगी। भाइयों बहनों, सबको पक्की नौकरी दी जाएगी। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमा 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य के 5 लाख गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों से जो बेटियां स्कूल जाती हैं, उन सभी बेटियों को स्कूटी दी जाएगी। सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले हरियाणा के OBC और SC कैटेगरी के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की जो योजना आई है, वो योजना आगे अनवरत रूप से जारी रहेगी। आपके कलानौर में नए रेलवे स्टेशन की स्थापना की जाएगी। भाइयों बहनों, इससे निश्चित रूप से आप सबको आवागमन में सुविधा होगी। पेयजल और सीवरेज परियोजना का कार्य पूरा किया जाएगा। आपके जनरल अस्पताल में करोड़ों की लागत से आपातकालीन ब्लॉक और OPD भवन बनाने के साथ ही सरकारी अस्पताल में एक्सरे मशीन लगाई जाएगी। इतना ही नहीं, 5 करोड़ रुपए की लागत से आपके शिव मंदिर के तालाब का पुनर्निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। सभी वर्गों के सभी कार्यों के लिए आपके समर्थन और आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो इसलिए मैं आप सबसे ये कहने के लिए आया हूँ कि आप सब मिलकर, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, इतनी सारी बातें चूंकि बहुत संक्षेप में मैंने बोला है, आगे भी कई सारे कार्यक्रमों में जाना है, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, तो आप सब बताइए, तो आप सब मिलकर हरियाणा में कमल खिलाएंगे ना? चलिए, आप भाजपा की जीत, इसकी हैट्रिक, फिर से डबल इंजन की सरकार बनाएंगे ना? यहां से बहन रेनू डाबला जी को विजय बनाएंगे कमल के फूल पर वोट देकर। आप सबका उत्साह देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि यहाँ के जो हमारे महत्वपूर्ण गांव हैं, बसाना के साथ साथ लाहली, पिलाना, कलानौर, कहानौर, सबसे मैं अपील करता हूँ 36 कौम के भाइयों को साथ लेकर, हमारी सब बिरादरी के लोग जो बैठे हैं, सब बिरादरियों को साथ में लेकर, सीताराम राठी जी, हमारे सारे लोग मिलकर यहां से बहन रेणु डाबला को जिताना है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग जिताने के लिए तैयार है ना? सारी बिरादरियों को साथ में लेंगे ना यहाँ की, तो
तो एक बार जोर से जयकारा लगाइए, जय माँ भवानी। अच्छा हाँ, बनियानी गांव, ये क्या लिखा है? अच्छा अच्छा, मोखरा गांव में हमारे है, यहाँ के दामाद भी हैं बालियान जी, ये भी आए हैं देखिए आपके बीच में। अब तो ये जो है एक के साथ एक और हो गया, यानी एक और एक 11 हो गए हैं। तो देखिए कोई गांव यहाँ का छूटना नहीं चाहिए। आप सबके बीच में मैं आया हूँ, मुझे भरोसा है कि आप सब लोग यहाँ से भाजपा को जिताएंगे, मैं रेणु रावला को भारी मतों से विजय बनाएंगे। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ एक बार जयकारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, महाराणा प्रताप अमर रहे, सर छोटू राम अमर रहे, सर छोटू राम अमर रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।